नमस्ते बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं 110 की स्पीड बोलने जा रही हूँ। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, लिखिए, अंत तक लिखिए, जिससे स्पीड बनती है, बिगड़ती नहीं। स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रपति महोदय के भाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव है उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी सरकार ने समाजवाद का केवल नारा ही नहीं लगाया है, बल्कि समाजवाद को मूर्त रूप देने के लिए कदम भी उठाने प्रारंभ कर दिए हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि गरीबी हटाओ, गरीबी मिटाओ यह केवल आंदोलन ही नहीं रहा, बल्कि इसको कार्य रूप में परिणत करना भी आरंभ कर दिया है। इसके लिए मैं अपने प्रधानमंत्री को जितना भी धन्यवाद दूं, वह थोड़ा ही है। मुझे आपसे यह भी कहने का साहस हो रहा है कि सरकार ने इस समय हमारे पहाड़ी क्षेत्रों को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया है। आज तक तो वे बिल्कुल पिछड़े हुए थे। मैं आपसे यह कहने का भी साहस कर रहा हूँ कि पहाड़ी और सीमा के क्षेत्रों को राज्य का अधिकार तो दे ही दिया है, उनको यह अवसर भी दिया गया है कि वे अपने पिछड़े हुए इलाके को उन्नत बनाने के लिए स्वयं प्रयत्न करें और अपने पैरों पर खड़े हों। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ आपके सामने यह कहना पड़ रहा है कि हमारे उत्तर प्रदेश के जो पहाड़ी ज़िले हैं वे आज भी बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं और उनको कोई देखने वाला नहीं है। मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूँ कि कुछ दशक पहले इस दिल्ली में पहाड़ी इलाकों के सैकड़ों भूमिहीन किसानों का एक बहुत बड़ा जुलूस निकला था और उन्हें हमारे राष्ट्रपति ने आश्वासन दिया कि उनकी भूमि समस्या हल करने के लिए वे उत्तर प्रदेश की सरकार को लिख रहे हैं। लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि कई वर्ष बीत गए हैं किंतु एक चप्पा भूमि भी किसी भूमि को आज तक नहीं दी गई है। हमारे भूमिहीन किसान कभी जेल में सड़ते हैं और कभी कहीं मारे फिरते हैं, लेकिन उन्हें भूमि नहीं मिली। इसी प्रकार मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूँ कि एक बार हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी लिखा था कि हमारे उत्तर प्रदेश के जो पहाड़ी ज़िले हैं वे पूरी तरह से पिछड़े हुए हैं। इसके अलावा एक बार हमारे प्रधानमंत्री जब यहाँ दौरे पर आए थे तब उन्होंने एक सार्वजनिक सभा में भाषण दिया था। यदि आपको हमारी डिक्टेशन अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। दैट्स ऑल।